कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में ओमिक्रॉन मरीज मिलने के बाद महानगर पालिका प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके बाद महानगर पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने आशंका जताते हुए बताया कि यदि शहरवासी कोविड-19 के नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करेंगे, लापरवाही बरतते रहेंगे, तो शायद फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो। आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने बताया कि 4 नाइजीरियन मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 तो हैदराबाद चले गए, बाकी 2 मरीज कल्याण डोंबिवली शहर में जिस कैब से आए थे उस कैब ड्राइवर की भी जांच की गई है। साथ ही अब तक यह दोनों व्यक्ति जिसके भी संपर्क में आए हैं उन सभी के टेस्ट कर रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि देश और प्रदेशों से आने वाले 295 लोगों में से 88 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था, वहीं जिनमें से 34 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन सभी को होम क्वारंटीन रखा गया है। आयुक्त ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। महानगर पालिका के अस्पताल में जो एडमिट है उनकी प्रकृति एकदम ठीक है और सभी जो प्रदेश में से जो 295 जो सिटीजन्स कल्याण डोंबिवली एरिया के जो यहाँ पे आए हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास कल तक आई थी, उनमें से 88 लोगों का आज अभी कल तक आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, उसमें 34 नेगेटिव है, 48 की रिपोर्ट आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएंगी। बाकी जो लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उसमें से कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन मतलब आउट ऑफ कल्याण डोंबिवली एरिया है तो जहाँ के है वहाँ से भी वहाँ को भी हमने सूचित किया है वहाँ की जो अथॉरिटीज है, और एक SOP हमने जो बनाया है वो SOP के तहत जो भी एट रिस्क और हाई रिस्क कंट्रीज से जो नागरिक आएंगे तो उनको 7 डेज उनका जो होम क्वारंटाइन का जो आदेश है वो 7 डेज होम क्वारंटाइन कर रहे कि नहीं इसका भी हम कॉल सेंटर के जरिए फॉलोअप रखेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके बिल्डिंग में जो एट रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से जो नागरिक आ रहे हैं वो होम क्वारंटाइन कर रहे कि नहीं उसकी उन्हें जानकारी लेनी चाहिए।